सभी साथियों को नमस्कार। बीते दिनों में बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम लगातार संपूर्ण मैदानी राज्यों में भारी बारिश करता हुआ फिलहाल उत्तर प्रदेश के भागों पर मौजूद है। इसमें अधिक मॉइस्चर होने के कारण उत्तर प्रदेश की कई भागों में तीव्र मूसलाधार बारिश का दौर फिलहाल बना हुआ है। इस मौसमी सिस्टम के कारण दोस्तों आगामी 24 से 48 घंटों में आपको हरियाणा, पंजाब, दिल्ली NCR, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास के कई क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। दोस्तों जैसा आपको पुरानी वीडियोज में पहले अवगत कराया था, सेम कंडीशन फिलहाल बन चुकी है। पश्चिमी हवाओं का फ्लो बहुत ताकतवर होने के कारण ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है, एक बार फिर से वापस यह घूम चुका है। दोस्तों इस मौसमी सिस्टम के कारण राजस्थान में आपको 24 से 48 घंटों तक राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां और देखने को मिलेंगी। IMD ने इसको लेकर आगामी 24 घंटे के लिए राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों इस मौसमी सिस्टम के कारण राजस्थान में कौन कौन से जिलों में और बारिश देखने को मिलेगी, कहाँ कहाँ पर मौसम पूरी तरह से आपको साफ देखने को मिलेगा, चर्चा करेंगे बिल्कुल विस्तार से। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मौसम संबंधित प्रत्येक जानकारी का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटे में आपको राजस्थान में कहां कहां पर किस तरह की मौसम की गतिविधियां देखने को मिली थी। सिकराय दौसा में आपको 19 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिली, बैर भरतपुर में 15, कोटकासिम अलवर में 11, महुआ दौसा, किशनगढ़ बांस अलवर और अलवर तहसील में आपको 11 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिली, बादरपुर अलवर, बयाना भरतपुर, रामगढ़ अलवर, धौलपुर तहसील में आपको 10-10 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिली, सैपऊ धौलपुर, करौली तहसील, कामा भरतपुर, सरमथुरा धौलपुर, मंडरायल करौली और नगर भरतपुर में आपको 9 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिली, हिंडौन करौली और रूपबास भरतपुर, टोडा भीम करौली, पहाड़ी भरतपुर, तेजारा अलवर में आपको 7 सेंटीमीटर बारिश नजर आई, डीग भरतपुर, गोविंदगढ़ अलवर, कठुमर अलवर, बाड़ी धौलपुर, नदबई भरतपुर, बसेड़ी धौलपुर, भरतपुर तहसील, अलवर तहसील, नातौदी करौली, बहरोड अलवर में दोस्तों आपको 3-3 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिली, शाहबाद बारा और झुंझुनू तहसील, मंडावर अलवर, सपोटरा करौली, टपुगड़ा अलवर, लक्ष्मणगढ़ अलवर, राजाखेड़ा धौलपुर, बौली सवाईमाधोपुर, थानागाजी अलवर, गंगापुर सवाईमाधोपुर में आपको 2-2 सेंटीमीटर बारिश नजर आई, राजगढ़ अलवर, दौसा तहसील, बामनवास सवाईमाधोपुर, मालाखेड़ा अलवर, चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर, लालसोट दौसा, कुमेर भरतपुर और नीमराना अलवर में आपको 1-1 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिली। दोस्तों जैसा आपको पुरानी वीडियोज में अवगत कराया था, सेम कंडीशन आपको देखने को मिली। भरतपुर संभाग और जयपुर कोटा संभाग के कई क्षेत्रों में तीव्र मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आपको नजर आई थी। उदयपुर संभाग में आंशिक रूप से बादल छाए, कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश का दौर बीते 24 घंटे में आपको नजर आया था। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगामी 24 से 48 घंटों तक इस मौसमी सिस्टम के कारण राजस्थान में कहां कहां पर किस तरह की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। फिलहाल दोस्तों यह मौसमी सिस्टम उत्तर प्रदेश के भागों पर मौजूद है। इसके कारण मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। धीरे धीरे दोस्तों इस मौसमी सिस्टम का ट्रैक कुछ इस तरह से बनने वाला है कि ये दोस्तों आगामी दिनों में आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसके बाद बिहार के आसपास के कई क्षेत्रों में बारिश करता हुआ नजर आएगा। राजस्थान में दोस्तों इस मौसमी सिस्टम का इफेक्ट आपको 24 घंटे तक और देखने को मिलेगा। पूर्वी राजस्थान में ही दोस्तों बारिश की गतिविधियां 24 घंटे तक और नजर आएंगी। सर्वाधिक बारिश दोस्तों आपको जयपुर और भरतपुर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और दोस्तों दौसा, जयपुर के आसपास के कई क्षेत्रों में मूसलाधार ये बारिश की गतिविधियां 24 घंटे तक और देखने को मिलेंगी। तापमान दोस्तों 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास इन दोनों संभागों का देखने को मिलेगा। कोटा संभाग में दोस्तों आंशिक रूप से बादल छाएंगे, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में दोस्तों बादलों की आवाजाही जारी रहेगी, कदुक्का स्थानों पर खंड बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों उदयपुर संभाग की अगर बात करें तो IMD ने आगामी 24 घंटे के लिए उदयपुर संभाग में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन दोस्तों अब ये पश्चिमी हवाओं का दौर ज़्यादा तेज होने के कारण दोस्तों यह मानसून उदयपुर संभाग में भारी बारिश अब नहीं करेगा। सिर्फ कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में आपको नजर आएगी।
अजमेर संभाग की बात करें तो दोस्तों टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर के आसपास के कुछ क्षेत्रों में हल्के फुल्के बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। खंड बारिश दोस्तों कुछ स्थानों पर आपको अजमेर संभाग में देखने को मिलेगी। नागौर में आंशिक रूप से बादल छाएंगे। पश्चिमी राजस्थान के दोस्तों जोधपुर, राजसमंद और जालौर पाली के आसपास के क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। भारी बारिश की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। अजमेर संभाग और दोस्तों जोधपुर संभाग में टेम्परेचर लगभग 28 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग में इक्का दुक्का स्थानों पर छुटपुट बारिश हो सकती है। आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में जारी रहेगी। सीकर और झुंझुनू जिलों में दोस्तों कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। पुरानी वीडियोज में सीकर, झुंझुनू और बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, जैसलमेर और दोस्तों अजमेर, नागौर के कुछ क्षेत्रों से कॉमेंट आए थे कि सर हमारे यहाँ पर भारी बारिश अब होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों अब इस मौसमी सिस्टम का ज़्यादातर स्थानों से इफेक्ट है बिल्कुल कम हो चुका है। पूर्वी राजस्थान में ही सिर्फ 24 घंटे तक इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा और पूर्वी राजस्थान में भी दोस्तों सर्वाधिक आपको इसका इफेक्ट जयपुर और भरतपुर संभाग में नजर आएगा। दोस्तों आप राजस्थान के कौन से ज़िले से हैं, आपके यहाँ पर किस तरह का मौसम बना हुआ है, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि आप ही के राज्य के अन्य साथियों को पता चले कि फिलहाल इस स्थान पर, इस गांव और तहसील में इस तरह का मौसम बना हुआ है। दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं IMD की ऑफिशियल साइट पर, जहाँ से संपूर्ण न्यूज़ बिल्कुल प्रूफ के साथ प्रोवाइड करेंगे कि दोस्तों आगामी दिनों के लिए IMD ने कहाँ कहाँ पर किस तरह के अलर्ट जारी किए हैं और फिलहाल इस मौसमी सिस्टम का ट्रैक किस तरह का बना हुआ है। दोस्तों आप IMD की ऑफिशियल साइट पर हो, यहाँ पर बात करेंगे 24, 25 और 26 अगस्त के मौसम के बारे में। 24 अगस्त को दोस्तों यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। यह मौसमी सिस्टम दोस्तों फिलहाल कुछ इन स्थानों पर मौजूद है जिसके कारण ये नमीदार पवनें कुछ इस तरह से इनका ट्रैक बन चुका है और इसी के कारण दोस्तों आपको राजस्थान के पूर्वी संभागों में बादलों की आवाजाही के साथ कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। पूर्वी राजस्थान में दोस्तों सर्वाधिक बारिश आपको अलवर और दोस्तों भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा, जयपुर इन क्षेत्रों में आपको अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। सीकर और झुंझुनू में भी दोस्तों खंड बारिश कुछ स्थानों पर आपको नजर आएगी। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में आंशिक रूप से बादल छाएंगे, कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश होने के आसार हैं। उदयपुर संभाग में भी दोस्तों आंशिक रूप से बादल ही देखने को मिलेंगे, भारी बारिश की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। लगातार दोस्तों ये जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं इनका दोस्तों कुछ इस तरह का फ्लो बना हुआ है जिसके कारण दोस्तों ये नमीदार पवनों को लगातार उत्तरी भारत की ओर धकेल रही हैं और दोस्तों ये नमीदार पवनें उत्तरी भारत के दोस्तों हरियाणा, पंजाब, दिल्ली NCR और दोस्तों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के आसपास के इन क्षेत्रों में अब आपको बारिश करती हुई नजर आएंगी। पश्चिमी राजस्थान के दोस्तों जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज़्यादातर जिलों का मौसम पूरी तरह से साफ देखने को मिलेगा। टेम्परेचर और उमस में एक बार फिर से आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाएंगे, भारी बारिश की दोस्तों फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 25 अगस्त के मौसम के बारे में। 25 अगस्त को दोस्तों यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो फिलहाल दोस्तों संपूर्ण राजस्थान को यहाँ पर ग्रीन क्षेत्र में रखा गया है, कहीं पर भी दोस्तों बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। पूर्वी राजस्थान के भी दोस्तों कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग में जो बादलों की आवाजाही बनी हुई थी वो भी दोस्तों यहां से समाप्त हो जाएगी। सिर्फ दोस्तों आपको जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी, कुछ स्थानों पर ही छुटपुट बारिश आपको देखने को मिल सकती है। बीकानेर संभाग में भी दोस्तों इक्का दुक्का स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाएंगे, भारी बारिश की यहां पर कोई उम्मीद नहीं है। जोधपुर संभाग का मौसम भी पूरी तरह से बदल जाएगा, उमस और गर्मी का दौर एक बार फिर से यहां पर भी शुरू हो जाएगा। अजमेर संभाग के भी ज्यादातर जिलों का मौसम एक बार फिर से साफ हो जाएगा। के बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 26 अगस्त के मौसम के बारे में। 26 अगस्त को दोस्तों यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो फिलहाल दोस्तों संपूर्ण राजस्थान को यहाँ पर ग्रीन क्षेत्र में रखा गया है, कहीं पर भी दोस्तों बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। राजस्थान से सटे हुए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में कहीं पर भी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। ज़्यादातर स्थानों का मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। ये मौसमी सिस्टम दोस्तों कुछ इस तरह से घूमकर यह बिहार के आसपास के क्षेत्रों सहित नेपाल के भी कुछ क्षेत्रों में बारिश करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों फिर से इसका ट्रैक कुछ इस तरह से बनने वाला है क्योंकि ये पश्चिमी हवाएं लगातार इस मौसमी सिस्टम को पुनः पीछे धकेल रही हैं और दोस्तों इसी के कारण आपको पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर स्थानों पर भारी बारिश नहीं देखने को मिली है। आगे जैसे ही कोई नया मौसमी सिस्टम बनेगा तो आपको जरूर ही इस चैनल के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा।